हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 132 kV ट्रांसमिशन जो लाइन है उसके लाइटनिंग अरेस्टर को किस तरह मेगर किया जाता है या फिर किस तरह उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक किया जाता है। तो स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में लाइटनिंग अरेस्टर है, तो उसका हम लोग मेगर टेस्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लाइटनिंग अरेस्टर है जो कि फॉर सेफ्टी रीजन ग्राउंड किया रहता है। तो अर्थ स्ट्रिप आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर में। मेगर के जो रेड कलर के प्रोब है उसे हम लाइटनिंग अरेस्टर के टॉप पे लगाएंगे। और इसे मेगर करने का रीज़न था कि जो हमारा 65 MVA का ट्रांसफार्मर है वो ट्रिप हो रहा है, तो हम उसके कॉस्ट को फाइंड आउट कर रहे थे। तो उसी प्रोसीजर में हमने लाइटनिंग अरेस्टर को भी मेगर किया था और ब्लैक कलर के प्रोब को हमने उसका जो अर्थ स्ट्रिप है उसके साथ कनेक्ट किया है। और आपको जो स्टेयर्स है जो भी एक्स्ट्रा कॉम्पोनेंट है उसे हटाना है, अदरवाइज मेगर का वैल्यू काफ़ी कम आएगा। जो मेकर है उसे हमने 5000 वोल्ट पे सेट किया है और हम स्टार्ट बटन प्रेस कर रहे हैं। जो ऑलमोस्ट पीक रीडिंग है वो आपको स्टार्टिंग के टाइम पे ही आ जाएगा, ऑलमोस्ट लाइक 5 to 10 seconds, दैट इज़ 40 to 43 GHz। तो इसे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ 1 मिनट की रीडिंग को चेक करने के लिए। यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स हुआ है और रीडिंग 45 GHz है। सिमिलरली हम लोग जब 1 मिनट कंप्लीट होगा तो उस रीडिंग को नोट डाउन करेंगे। और अगर आपको PI का वैल्यू निकालना है तो 10 मिनट्स तक का लेना पड़ेगा वैल्यू। 1 मिनट होने पे भी 46.2 GHz आया है रिमेनिंग, जस्ट फॉर कंफर्मेशन, क्योंकि ये बहुत सेफ वैल्यू है। हमने 2 मिनट तक इस टेस्ट को कंटिन्यू किया था, तो आप देख सकते हैं एट द एंड ऑफ 2 मिनट आपको जो मेगर वैल्यू मिल रहा है वो ऑलमोस्ट 47 GHz है। तो इस तरह लाइटनिंग अरेस्टर के पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को मेगर किया जाता है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।